जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आज ये पूरा वीडियो देख के जाइएगा। आपका एक टॉपिक इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहेगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज का टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं सबका रेस्पिरेशन मैं इस वीडियो में बता दूंगा। आपको कहीं भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपका एक टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो इंसेक्ट होते हैं उनमें कैसा रेस्पिरेशन पाया जाता है, और जो फिशेस होती हैं या कोई अदर एनिमल है जो पानी में रहता है उसमें कैसा रेस्पिरेशन पाया जाता है, और जो फ्राग होते हैं जिनको हम लोग एम्फीबियन कहते हैं, और कुछ रेप्टाइल्स होते हैं उनमें किस तरीके के रेस्पिरेशन पाए जाते हैं, और हम लोग हैं और जो अदर एनिमल हैं जो लैंड पर रहते हैं उनमें किस तरीका का रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूँ बिना देर के। आज का जो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। लेकिन ये तो हमारा ब्रीदिंग हो गया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या हो गया, ये हमारा ब्रीदिंग हो गया। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन में जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन को यूज करने के लिए हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू तक ले करके जाने का काम करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, हम टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, हमने आपको बताया कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनमें जो है अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन पाया जाता है। जैसे कि सभी एनिमल्स में लंग्स तो पाया नहीं जाता, सभी एनिमल्स में लंग्स नहीं पाया जाता है। कुछ एनिमल्स हैं जो लैंड पे पाए जाते हैं उनमें लंग्स पाया जाता है, और कुछ जो वाटर में पाए जाते हैं उनमें भी लंग्स पाया जाता है। तो उनमें तो कॉमन है कि उनमें जो है क्या है, लंग्स से वो रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं उनमें सिंपल डिफ्यूजन मेथड से रेस्पिरेशन होता है। चलिए तो हम बताते हैं आपको जो अमीबा होता है उसमें कैसा रेस्पिरेशन पाया जाता है। उसमें जो है सिंपल डिफ्यूजन मेथड से रेस्पिरेशन होता है। कैसा मेथड होता है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड। अमीबा में न्यूट्रिशन भी इसी मेथड से होता है और रेस्पिरेशन भी इसी मेथड से होता है, क्योंकि इनके पास कोई बॉडी ऑर्गन है नहीं, ये यूनिसेलुलर है। तो ये सिंपल एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है। तो इनमें जो है कोई भी प्रोसेस होता है तो वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से प्रोसेस होता है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेल डिवीजन मेथड से होता है अमीबा में। ठीक है, अमीबा में जो रेस्पिरेशन पाया गया वो कैसा है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड होता है, जिससे क्या होता है, गैसियस गैसियस एक्सचेंज होता है। सिंपल डिफ्यूजन मेथड से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। इसमें थ्रो किसके द्वारा होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर, उसी के द्वारा इनमें सॉरी इनमें जो है रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक, अब और किन किन एनिमल्स में सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा रेस्पिरेशन होता है? जैसे कि पैरामीशियम है, ये भी यूनिसेलुलर एनिमल है। ठीक, प्लेनेरिया है, इसमें भी सिंपल डिफ्यूजन मेथड से जो है रेस्पिरेशन होता है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे अमीबा के बारे में, और बाकी एनिमल्स में भी जो सिंपल डिफ्यूजन मेथड होता है रेस्पिरेशन का उसमें सेम प्रोसेस होता है, अमीबा है या पैरामीशियम है या फिर प्लेनेरिया है। तो हम लोग बात करेंगे पहले डिटेल में जो अमीबा होता है उसमें कैसा रेस्पिरेशन पाया जाता है। हमने यहाँ पे अमीबा का एक फिगर बना दिया है, आप लोग इस फिगर को देखिए। यहाँ पे जो है अमीबा का एक चित्र बना हुआ है, ये पूरा क्या है, अमीबा है। ठीक, अमीबा कहाँ पाया जाता है? ये जो है वाटर में होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि अमीबा जो है वो पानी में पाया जाता है। ये पानी में मिलेगा तो जो ऑक्सीजन होता है, जो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? क्योंकि जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। ठीक, ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व होता है, वहीं से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, अमीबा में ये सेल मेम्ब्रेन पाया गया जो ऊपर ये बना हुआ है कवरिंग, ये पूरा क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इसमें किसके थ्रू हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। अब अमीबा क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिफ्यूज इन करेगा। ऑक्सीजन डिफ्यूजन मेथड से हो रहा है तो डिफ्यूज इन करेगा, ऑक्सीजन को डिफ्यूज इन करेगा। और यहाँ पे देखिए, जब इसने ऑक्सीजन को डिफ्यूज इन कर लिया, चूंकि अमीबा एक जो है यूनिसेलुलर एनिमल है, एक कोश की जीव है, तो विद इन सेल जो है पूरे बहुत जल्दी से इसमें रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक, ये तुरंत इसने क्या किया, एक सेलुलर एनिमल है तो इसने जब ऑक्सीजन को अंदर लिया तो पूरे बॉडी में तुरंत फैल जाएगा। तुरंत जब पूरे बॉडी में फैल जाएगा तो जहां जहां पूरे बॉडी में जब ऑक्सीजन फैला तो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिल गया। अब तुरंत वहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा और तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और वो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक, ये बहुत ही सिंपल मेथड से होता है। ये तुरंत जो है सेल मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन लेते हैं, जो वाटर है वाटर से जो ऑक्सीजन है वो लेते हैं डिफ्यूजन मेथड से, और फिर तुरंत जो है इनमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और फिर
एक सेलुलर है, चूंकि इनमें कहीं ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है ऑक्सीजन को, तो ये तुरंत जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर कर देते हैं, मीन्स डिफ्यूज आउट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और डिफ्यूज इन करते हैं ऑक्सीजन को। ये रहा अमीबा का टॉपिक। इसमें कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे जो अदर एनिमल्स हैं उनमें कैसे होता है। अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं अर्थवार्म है, आप लोगों ने देखा होगा, अर्थवार्म को देखा होगा। ठीक है, फिर लीच होता है जिसको हम लोग कॉमनली जोंक कहते हैं, और अर्थवार्म को हम लोग केचुआ कहते हैं। ठीक, जो अर्थवार्म होता है उसमें रेस्पिरेशन कैसे पाया जाता है, ये क्या करते हैं, यूज दियर स्किन। ये लोग क्या करते हैं, अपने स्किन को यूज करते हैं। अर्थवार्म को आप लोगों ने देखा होगा, इनकी जो स्किन होती है वो हमेशा वेट होती है, मतलब गीली होती है। ठीक, इनकी जो स्किन है वो बहुत गीली होती है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है नहीं, ये मल्टीसेलुलर एनिमल्स में आ जाते हैं। ठीक, तो इनके पास क्या पाए जाते हैं, इनके पास ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। ठीक, इनके पास ब्लड वेसल्स कह सकते हैं या ब्लड कैपिलरीज कह सकते हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स नोन एज ब्लड कैपिलरीज। तो इसमें ये चीजें पाई जाती हैं। तो इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी जो होती है वो गीली होती है। ठीक, इनकी बॉडी जो है अर्थवार्म की वो हमेशा गीली होती है। अर्थवार्म को अगर आप कहीं देखते हैं जमीन पर रेंगते हुए तो गीला 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 उसके बॉडी से जो है मॉइस्ट स्किन होता है इनका, तो वो गीला गीला छोड़ते जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट से कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, ये अपने स्किन के थ्रू ऑक्सीजन ले लेते हैं। स्किन के थ्रू जब ऑक्सीजन लेंगे और ये स्किन से ही इनमें डिफ्यूज इनके जो है इनमें ऑक्सीजन इन चला जाता है और स्किन से ही ऑक्सीजन ये बाहर कर देते हैं, मीन्स इसमें भी डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक, स्किन के थ्रू इसमें डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। ठीक, तो इनमें स्किन के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है, और जो लीच होती है ये वाटर में पाई जाती है कॉमनली, लीच जो जोक है जो, इसमें भी जो होता है रेस्पिरेशन वो स्किन के थ्रू होता है। ठीक, इनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, इसमें भी स्किन के थ्रू होता है, डिफ्यूजन होता है इनमें भी, लेकिन इनके पास ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, वो जो है तुरंत ऑक्सीजन को लेकर के जाती हैं और हर सेल को प्रोवाइड करती हैं, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से ही मींस अपने स्किन से ही ये बाहर कर देते हैं। ठीक, तो इन दोनों में क्या हुआ, स्किन से हुआ, सॉरी इसमें जो है अर्थवार में स्किन से हो रहा है, लीच में भी स्किन से हो रहा है, डिफ्यूजन मेथड है यहाँ पर भी और अमीबा में भी डिफ्यूजन मेथड है। अब हम बात करते हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे मछली है, प्राण है, ठीक है, इन सब में कैसे जो है, मेंढक है, इन सब में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है, वो गिल्स होता है। ठीक, एक्वाटिक एनिमल्स क्या करते हैं, उनके पास गिल्स पाया जाता है। ठीक, उससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, ये देख लीजिए आप लोग, फिश का मैंने फिगर बनाया है। ये फिश क्या करती है, फिश लगातार पानी पीती रहती है, क्या करेगी, लगातार ये पानी पीती रहेगी। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वाटर में वो डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, और जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन पाया जाता है उसमें क्वांटिटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल तो लो है, लेकिन अब ये क्या करेंगे, इनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करेंगी, बार बार लगातार पानी पीती रहती है, लगातार पानी पीती रहती है, और उनसे उनको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता रहता है। ठीक, जो गिल्स होता है उससे वो ऑक्सीजन ले लेती हैं। अब यहाँ पे जो गिल बना हुआ है, ठीक है, इसके पास ये सब जो सिंगल सिंगल है इसको हम लोग गिल स्लिट कहते हैं। ठीक, गिल स्लिट कहते हैं, ये गिल्स होता है, ये पानी पिएंगी, ये जाएगा इधर। ठीक, अब इसको हम लोग गिल कवर बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग अपर कुलम भी बोलते हैं। ठीक, ये अपर कुलम एक कवरिंग होती है गिल्स के ऊपर, जब मछली का आप देखेंगे तो जो गिल्स होता है उसके बाद यहाँ पे एक अपर कुलम पाया जाता है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गिल्स कवर कहते हैं। ठीक, जो गिल्स होता है इससे ये प्रोटेक्टेड होता है। अब ये पानी यहाँ से पियेंगी और यहाँ से बाहर निकाल देंगी, पानी यहाँ से पियेंगी यहाँ से बाहर निकाल देंगी, तो ये लगातार पानी पीते रहते हैं जिससे इनके बॉडी को ऑक्सीजन मिलता रहता है। अब ये प्रोसेस जो है गिल्स वाला किसमें हो गया, गिल्स वाला इसमें जो प्रोसेस हो गया किसमें होता है, फिश में होता है और प्राण होता है, झींगा मछली है जिसका साइंटिफिक नेम है पाइलीमान मालकमसोनी। ठीक, ये जो है प्राण है इस और फिश है, इसमें जो है लंग्स पाया गया, अब ये इसमें जो है गिल्स पाया गया, ये रेस्पिरेशन किससे करती है, ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती है। ठीक, अब बात आती है जो फ्रॉग होता है उसमें कैसे रेस्पिरेशन पाया जाता है। ठीक, फ्रॉग को आप लोगों ने देखा होगा, इसको एम्फीबियन कहते हैं, क्योंकि ये लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो इसके पास क्या क्या चीजें होती हैं, इसके पास लंग्स भी होता है और स्किन भी होती है। जब ये पानी में चला जाता है तो ये किससे रेस्पिरेशन करता है, अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, लेकिन जब ये पानी से बाहर आता है तो किसके थ्रू करता है, लंग्स के थ्रू करता है। तो जो फ्रॉग होते हैं उनमें लंग्स भी पाया जाता है और स्किन भी पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक, ये जो वाटर एनिमल्स है ये क्लियर हो गया आपका,
जो फिश है और प्राण है ये गिल्स को यूज करते हैं। गिल्स के ऊपर गिल कवर होता है, ठीक है। ये लगातार पानी पीते रहते हैं, क्यों? क्योंकि जो वाटर वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत डाउन होता है, तो उनको ऑक्सीजन ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनको मूवमेंट करना होता है तो एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो लगातार पानी पीती रहती है। और जो मेंढक होता है उसमें लंग्स भी पाया जाता है और स्किन भी पाया जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंसेक्ट के बारे में, बात कर लें जो इंसेक्ट होते हैं उनमें कैसा रेस्पिरेशन पाया जाता है। जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास एक टिनी होल पाया जाता है, बहुत ही छोटे छोटे उनमें होल पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पायरिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पायरिकल्स कहते हैं। और उनके पास क्या पाया जाता है, एयर ट्यूब पाया जाता है, ठीक। एयर ट्यूब पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, ठीक। हम लोगों के पास भी ट्रेकिया होता है, विंड पाइप जिसको कॉमनली कहा जाता है, तो इसमें एयर ट्यूब कह दिया गया। इनके पास टिनी होल होता है, आप जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उनको आप उनका जो है टिनी होल बहुत ही छोटा छोटा होल आप देख सकते हैं, ठीक। उनके पास टिनी होल पाया जाता है, उससे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, ठीक। एयर ट्यूब भी पाया जाता है, ये किस किस में होता है, स्पाइरल किस किस में होता है और एयर ट्यूब किस किस में होता है, ग्रास हॉपर में होता है, कॉकरोच में होता है, हाउस फ्लाई में होता है, मॉस्किटो में होता है, बहुत सारे एनिमल है, इसलिए यहाँ पे हमने ईटीसी लिख दिया, बहुत सारे इंसेक्ट है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ईटीसी लिखा। तो ग्रास हॉपर है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, इनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, इनमें जो है स्पाइरल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बात किया था कि जो रेस्पिरेशन होता है वो प्लांट में कैसे होता है, उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे, प्लांट और एनिमल्स का आपको क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी है, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत है ही नहीं, मैं शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। सर लैंड पे हम लोग भी आए, हम लोग भी इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एनिमल्स ही है, लेकिन थोड़ा वेल डेवलप्ड ब्रेन है हम लोगों का, किंगडम एनिमेलिया में ही हम लोग आते हैं, ठीक। क्लास मैमेलिया हो जाता है हम लोगों का, मैमेलिया क्लास, मैमेलिया मीन्स जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, ठीक। अब बात करते हैं जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या है, उनके पास लंग्स पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक। अब ये बात तो हो गया कि इनके पास लंग्स पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, ह्यूमन बीइंग है, बर्ड है, लिजार्ड है, डॉग है, ईटीसी, इन सबके पास क्या है, लंग्स पाए। जो लैंड एनिमल है उनमें क्या पाया गया, लंग्स पाया गया। अब एक बात आप लोग जरूर, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि जो इसमें होता है सिंपल डिफ्यूजन मेथड होता है, क्या ये प्रोसेस जो है लैंड एनिमल्स में या हम लोगों में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि हमारे में सिंपल डिफ्यूजन मेथड से रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया है तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि जो सिंपल डिफ्यूजन मेथड होता है वो केवल सिंगल सेलुलर एनिमल्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें रेस्पिरेशन हो जाता है, क्योंकि उनका बॉडी जो होता है बहुत ही छोटा होता है, उनको विद इन सेल में वो एब्जॉर्ब करेंगे और पूरे बॉडी में फैल जाएगा। अगर हम लोग बात करें एक ह्यूमन बींग की, एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अगर एक ह्यूमन बींग की बात किया जाए, अगर उनमें जो है सिंपल डिफ्यूजन मेथड से अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस की जाए तो लगभग 3 साल लग जाएंगे हमारे बॉडी में, हमारे अंगूठे तक, मीन टोएस तक, हमारे पैर के जो अंगूठा है वहां तक पहुंचने तक जो ऑक्सीजन का लेवल है, ऑक्सीजन वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, लगभग 3 साल लग जाएगा। अगर डिफ्यूजन मेथड से हम लोगों में रेस्पिरेशन हो तो 3 साल में हम लोगों के बॉडी में कहां पहुंचेगा, टोए तक, मीन्स अंगूठे तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। इसलिए हम लोगों में क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाया जाता है, ठीक। हम लोगों के पास क्या है, ब्लड में हमारे क्या है, हीमोग्लोबिन है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक। हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। वो क्या करता है, हमारे बॉडी को, मीन्स हमारे सेल लेवल तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। तो अगर हम लोगों में सिंपल डिफ्यूजन मेथड से रेस्पिरेशन होगा तो ये बहुत टाइम ले लेगा, इसलिए हम लोगों में क्या पाया गया, हम लोगों में लंग्स पाया जाता है और उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक। ये जो है रेस्पिरेशन में बहुत ही फास्ट इनका वर्क होता है। अब ये तुरंत मान लीजिए ऑक्सीजन आपके लंग्स में पहुंचा, वहां पे जो है एल्वियोली पाया गया, उसमें से ऑक्सीजन आपका जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, अब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू तक लेकर के जाएगा, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, मीन्स जब एनर्जी बनती है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से उठाएगा और ला करके आपके लंग्स में दे देगा। हम लोग आगे आने वाले वीडियो में एनिमल्स में, मीन्स ह्यूमन बीइंग में, हम लोग रेस्पिरेशन की बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।